हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिल्मी नाइट्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेलुगु इंडस्ट्री से आई और एक बेहतरीन फिल्म हनुमान की डे वन की इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे इस फिल्म की बजट कितना है और इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर कितने स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रशांत वर्मा के डायरेक्शन में बनी एक एक्शन सुपर हीरो फिल्म है हनुमान, जिसके लीड में आपको तेजा सज्जा, अमृता आयर, भयालक्ष्मी, शरद कुमार और कई सारे बेहतरीन एक्टर्स जैसे वेनिला किशोर भी नजर आई है। दोस्तों, बात करें इस फिल्म की बजट की, तो इस फिल्म को लगभग 60 करोड़ की बजट में बनाई गई है और इस फिल्म को अपने पहले दिन इंडिया में 1000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है, वही ओवरसीज में 600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यानी कि दोस्तों, इस फिल्म को वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन लगभग 1600 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को ज्यादा स्क्रीन नहीं मिली है क्योंकि इस फिल्म के सामने आज सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म गुंटूर करम भी सिनेमाघरों में आ चुका है। लेकिन टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, भले ही इस फिल्म को कम स्क्रीन मिली है लेकिन उसके बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज काफी अच्छी खासी कलेक्शन कर रही है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग भी आज काफी जबरदस्त रहा, ऑडियंस और क्रिटिक्स से भी इस फिल्म को काफी अच्छी खासी रेटिंग्स मिलती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि ये फिल्म आज अपने पहले दिन इंडिया नेट 15 से 16 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है, वही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर आज ये फिल्म 20 से 21 करोड़ के आंकड़े को पार कर रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये फिल्म 200 से 300 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या फिर नहीं? हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड एंड साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।